अस्सलामुअलैकुम। एक बात को आपने ना हमेशा अपने दिमाग में रखनी कि जब भी आप पे कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो उस टाइम उस वक्त आपको ना बस एक ही चीज़ से काम लेनी, वो है सब्र। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं कि हम तुम्हें आजमाएंगे, बार बार आजमाएंगे, तुम्हारे माल में कमी करके, तुम्हें तनहा करके। तुम्हें क्या करनी है कि बस सब्र करनी है, वह बस सिरिन साबिरिन। तुम्हें वहाँ पे उदास नहीं होनी, ना उम्मीद नहीं होनी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम हक राह पे होते हैं, सच राह पे होते हैं, फिर भी हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानी आ जाती है। बट हमें ना उस परेशानी को, उस दिक्कत को पॉजिटिव वे में लेना, निगेटिव में नहीं। क्योंकि एक बात तो सच है, अल्लाह तबारक ताला उसे ही आजमाते हैं जिसे वो अपनी ओर लाना चाहते हैं, जिसे वो अपनी ओर मुतमईन करना चाहते हैं, उसे ही वो आजमाते हैं। और ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे सब्र बना कर रखे, हमें वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर हम उस पल को सब्र में अच्छे से वहाँ पे हम बिता देते, उस पल को वहाँ पे गुजार लेते, तो फिर हमारे लिए खुशखबरी होती। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि दे दो उन लोगों को खुशखबरी जिन्होंने अपने बुरे हालात में सब्र किया। और सच है ये कि सब्र करने वालों का जो वहाँ पे पेशेंस होता है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है, और हमें वैसा एज अ मुस्लिम बनना भी है। क्या अल्लाह पाक कुरान में भी फरमाते हैं और हमें ऐसा बनना है, क्योंकि हमें वहाँ पर डीमोटिवेट होकर भी कुछ नहीं मिलने वाले। हम ऐसे ही तनहा फील करेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर निगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में आएंगे, उससे क्या होगा, हमारी ही लाइफ जो है वो डिसपॉइंट होगी। क्योंकि जो पहले के सहाबियत थी या फिर जो हमारे सहाबा थे, वो बहुत ही ज़्यादा सब्र करने वाले थे। और उनके सब्र के यहाँ पे देखा जाए तो हमारा सब्र जो हमारा पेशेंस है वो कुछ भी नहीं। हम लोग यहाँ आजकल छोटी छोटी जो बातें होती, छोटी छोटी तकलीफ़ें होती है, उसमें घबरा जाते, डीमोटिवेट हो जाते। ऐसा हमें फील होने लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, कोई मेरे साथ नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अल्लाह पाक से भी नाउम्मीद हो जाते, और इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ भी बर्बाद होती और अल्लाह पाक की नज़र में हम गुनहगार भी होते। तो हमें ऐसा नहीं बनना कि अपने दुनिया को भी ख़राब कर ले और अपने आखिरत को भी ख़राब कर ले। हमें इस तरीके से बनना है एज़ अ मुस्लिम कि हमने ना अपनी दुनिया को भी संवारनी है और आखिरत को तो खैर संवारनी ही संवारनी है। तो हमें जब भी तकलीफ़ें हो या जब भी कोई परेशानी हो, तो बस अपने दिल को उस वक्त बहुत मजबूत कर लेना है। और बार बार हमें अल्लाह की जो एक कलाम है कि वह बस सिरिन साबिरिन, कि हमें ना सब्र करना है, तो बस इसी सब्र जो वर्ड है, इसे हमें उस पल में जो है ना बहुत मजबूती से इसे थाम लेना है।